रोजे अव्वल से लेकर आज तक और आज से लेकर कियामत तक जिस इंसान को, जिस मजहबी इस्लाम के मानने वाले मुसलमान को, जिस नक्शे का भी, जिस लाइन का भी जो मसला दरपेश होगा उसकी जिंदगी में आएगा और वो जिस लिहाज का भी होगा, अल्लाह ने ऐसा अजीम मजहब शरीयत नाजिल फरमाई है कि जो शरीयत, जो मजहब उस वक्त इंसान की बेहतरीन तरीके पर रहबरी करती। इसी को अल्लाह ने ये फरमाया कि अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि जब हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में मबऊस फरमाया, भेजा और अल्लाह की तरफ से आपकी जो जिंदगी मुतायन थी, जो लम्हात आपके मुतायन थे जमीन के ऊपर रहने के लिहाज से, वरना जमीन के अंदर आप अपनी कब्र अधर में आज भी बाहयात हैं, आज भी जिंदा है, लेकिन जमीन के ऊपर, जमीन की पुश्त पर रहने के लिहाज से अल्लाह ताला ने हमारे नबी की जो उम्र मुतय्यन फरमाई थी उसके आखिर दिनों में अल्लाह ताला ने ये ऐलान फरमाया हज्जतुल विदा के मौके पर, अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, के ऐ नबी जी और ऐ सहाबा की जमात, आज के दिन हज्जतुल विदा के मौके पर मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। जिंदगी के मसाइल से मुताल्लिक, जिंदगी गुजारने के लिहाज से मुताल्लिक, जितने मोड़ और जितने उसूल को बयान करना था, जितने कवानीन को बयान करना था, उन तमाम चीजों को मैंने बयान करके मुकम्मल कर दिया। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? उसी को हजरत फुकहा ने फरमाया कुल्लु शैइन फिल कुरान लाकिन तकासरत मिन्हु अफहामुर रिजाल, कि अल्लाह ताला ने जिंदगी में आज अगर 700 करोड़ इंसान हैं, कल के इस सदी में, आइंदा सदी में मुमकिन है कि 1000 करोड़ हो जाए, 10000 करोड़ हो जाए, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। 1000 करोड़ क्या, 10000 करोड़ क्या, जमीनों में रेंगने वाली चोटियों से भी बड़ी तादाद इंसानों की हो जाए और हर हर इंसान के हजारों मसाइल, लाखों मसाइल हो, उन तमाम चीजों को हमने पुराने मजीद में बयान कर दिया है, लेकिन तकासरत मिन्हु अफहामुर रिजाल, लेकिन इंसानों की अकलें उसको समझने से कासिर हैं, आजिज हैं। ये इंसान का अपना कसूर है कि वो उसे समझ नहीं सकता, लेकिन ये बात नहीं है कि अल्लाह ने किसी इंसान के किसी मसले से मुताल्लिक कोई रहबरी ना की हो, कोई रहनुमाई अल्लाह ने ना की हो, ऐसा नहीं है। मेरे और आपके समझने में दुश्वारी हो सकती है, हम शरीयत के उस हुक्म को ना
से हो या इल्म के ना होने की वजह से, इल्म के ना होने की वजह से, जानकारी के ना होने की वजह से, इत्तिलाआत के ना होने की वजह से मैं और आप किसी मसले से जाहिल तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया हो और शरीयत उसकी रहबरी और रहनुमाई ना करता। उसी को कहा कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ नबी जी हमने आपके दीन को मुकम्मल कर दिया, वअतममतु अलैकुम निअमती, और अल्लाह के खजानों में जितनी नियमतें हैं उन तमाम तर नियमतों में हजरत उलमा ने बयान किया सबसे बड़ी नियमत नियमते ईमान है। अरे बोलो क्या है? ईमान की नियमत है। कहा कि अतममतु अलैकुम निअमती, कि मैंने अपनी इस नियमत ईमान को कामिल कर दिया, मुकम्मल कर दिया, पूरा कर दिया। अब जो इस नियमत ईमान से बेहरावर हो गया, जो मजहब इस्लाम के किले में दाखिल हो गया, उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपने औकात को इस जिंदगी में बसर करने के लिए किसी और धर्म से कोई रहबरी हासिल करने की जरूरत नहीं, उसकी जिंदगी के तमाम मसाइल का हल हमने कुरान में नाजिल कर दिया है। जिंदगी के उन्हीं मसाइल में से एक मसाला इलेक्शन का है। तो हम क्या इस मौके पर कि इस इलेक्शन की, इस वोट की हैसियत क्या है इसे मालूम करने के लिए दुनिया के इंसानों से रابطہ करें, दुनिया के लायर से मालूम करें, दुनिया के जजेस से मालूम करें, उकला से मालूम करें, तो कुरान ये कहता है नहीं, जरूरत नहीं। अल्लाह ने जो शरीयत आपको अता फरमाई उसने इस वोट की और इलेक्शन की हैसियतों को भी उसी शरीयत ने बयान किया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए हजरत फुकहा को। हजरत फुकहा ने इस वोट की चार हैसियतें बयान की। कितनी हैसियतें? अरे बोलो, चार हैसियत। इसकी सबसे कम दर्जे की हैसियत ये है वोट की इलेक्शन में खड़े होने वाले उम्मीदवार से मुताल्लिक, जो इलाके में महल्ले में रहने वाले लोग हैं वो जब अपने वोट को देने के लिए जाएं तो शरीयत की रहबरी करता है कि आप वोट डालने के लिए नहीं जा रहे हैं बल्कि आप गवाही देने के लिए जा रहे हैं। ये शहादत है, ये गवाही है, और गवाही है। नंबर एक, गवाही से मुताल्लिक हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, ऐ सहाबा की जमात क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़े कबीरा गुनाह क्या है? रावी फरमाते हैं हत्ता काला सलासन, आपने ये जुमला तीन मरतबा का,
அக்பரில் கபாயில் அலா உனப்பிஉக்கும் பி அக்பரில் கபாயில் அலா உனப்பிஉக்கும் பி அக்பரில் கபாயில் ஏ ஸஹாபா கி ஜமாத் மை தும்ஹே பனி அல்லாஹ் கி நாஃபர்மானியோ மே ஸே கபீரா குனாஹோ மே ஸே ஜோ சப்ஸே படே கபீரா குனாஹ் ஹே க்யா மை தும்ஹே வோ நா பதாவ் குல்னா பலா யா ரசூல் அல்லாஹ் हमने कहा अल्लाह के नबी जरूर बताइए, इसलिए कि जब मालूम नहीं होगा कि आप क्या हैं तो बचेगा कैसे। जिस इलाके में आदमी सफर करके जा रहा है अगर उस इलाके से मुताल्लिक इसे मालूम नहीं है, उस रास्ते से मुताल्लिक इसे मालूम नहीं है कि वो रास्ता लुटेरों का है, अगर इसे मालूम नहीं होगा ये उस रास्ते पर जाएगा और डाकुओं के हवाले हो जाए। अरे होता नहीं होता? होता है। तो आपने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, फिर आगे आपने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह। अच्छी तरह इस बात को समझ लो कि कबीरा गुनाहों की तादाद जो आज के उलमा ने अहादीस के जखीरे को सामने रखकर जिसकी तादाद गिनती ये बयान की कि वो 70 से ज़ायद है, कबीरा गुनाह 70 से ज़ायद है। अगर कबीरा गुनाह का मुर्तकिब, कबीरा का तो बड़ा, कबीरा का तो क्या बड़ा गुनाह का तो अल्लाह की ना फरमाए, अगर आदमी कबीरा गुनाह का इंतिकाब कर ले, बड़े गुनाह का इंतिकाब कर ले, कर गुजरे उस गुनाह को और अपनी जिंदगी में अल्लाह से माफी तलाफी न कर ले, तो फिर मरने के बाद उसकी इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह कबीरा गुनाह के मुर्तकिब होने की वजह से अल्लाह इसे जहन्नम में दाखिल करे। कबीरा गुनाह का तो ये आपने फरमाया उन कबीरा गुनाहों में भी जिनकी तादाद जो मौजूदा जमाने के उलमा ने बयान किया 70 से जायद है, उनमें आपने फरमाया सबसे बड़े कबीरा गुनाह 3 है। कितने हैं? अरे बोलो, 3। पहला ये अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, अल्लाह के साथ किसी को हाजत रवा समझना, अल्लाह के साथ किसी को मुख्तार कुल समझना, अल्लाह के अलावा किसी को आलिम गैब व शहादा मानना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, ये कहना कि हमारे मसाइल अल्लाह भी नऊज़ु बिल्लाह पूरे करते हैं और गैरुल्लाह से भी हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, हमारा घर अल्लाह भी चलाते हैं नऊज़ु बिल्लाह, मेरा काम मेरा धंधा भी चलाता है, यह अलग बात है कि आप आदतुल्लाह के मुताबिक अल्लाह की आदत अपना की सुन्नत के मुताबिक आप दवाई का इस्तेमाल करें लेकिन शिफा कौन देते हैं? अरे बोलो, अल्लाह देते हैं। आप कमाने जाएं तो फिर आपका घर चलेगा, ये अल्लाह की आदत है और अल्लाह की कुदरत ये है कि आप कमाने ना भी जाएं आपको घर बिठाकर अल्लाह खिलाने। तो हम असबाब के दर्जों में सारी चीजों का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन हमारा यकीन क्या हो कि सब कुछ करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ ये अकेले, अरे बोलो, अल्लाह की है। तो सबसे पहला काम ये, सबसे बड़ा गुनाह कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह जिसको आपने बयान किया वो ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना।
दूसरा गुना आपने फरमाया वह हुकूकुल वालिदैन, कबीरा गुनाहों में सबसे बड़े बड़े जो तीन गुना है उसमें दूसरे नंबर पर अपने वालिदैन की नाफरमानी करना। अरे क्या करना? वालिदैन की नाफरमानी कर। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें गुजार ली, अब हम ना जीने दियो। अरे बोलते नहीं बोलते क्या बाबा, अब भी तुम्हारा कंट्रोल है ना, अब भी तुम्हें झाकिन, तुम्हारी जिंदगी जी लिए तुम्हें, अब हम ना जीने दियो भाई। ऐसे ऐसे जुमले तुम्हें हमारे वास्ते करे क्या, तुम्हारी सुनने के वास्ते करे क्या, करना क्या था? अगर वो पूछते तो बोल सकते थे, लेकिन तुम्हें पैदा होते ही मैसूर में दफनाना था। नहीं, तुम्हें पाले, परवरिश करे, तुम्हें परवान चढ़ाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, जिन माँ बाप ने अपनी जिंदगी को कुर्बान करके तुम्हें परवान चढ़ाया, आज का बच्चा, आज का लोंडा अपने माँ बाप से ये पूछता है तुम्हें मेरे वास्ते करे क्या। उलमा ने मुख्तसर एक लतीफा बयान किया और वाकिया वाकिया ही है जो लतीफे की शक्ल में है। एक इसी तरह का वालिद था, उसका एक बेटा था, बेटा हमेशा बाप से पूछता था कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, तुम्हें मेरे वास्ते क्या करे क्या करे। तो बाप ने ये कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, बस ये मेरी तुमसे दरखास्त है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो फिर मैंने ये जो इमारत खड़ी की है इस पूरी इमारत को ढा देना, खत्म कर देना, पूरी बिल्डिंग को गिरा डालो। गिराने के बाद जमीन खोदते चले जाओ, खोदते चले जाओ, जमीन के अंदर एक पर्ची मिलेगी, उस पर्ची को उठा लेना, उसमें लिखा होगा कि मैंने तुम्हारे लिए किया क्या है। अब पूरी बिल्डिंग जो 90 बिल्डिंग बन गया था बाबा, पूरी बिल्डिंग शहीद कर डाले, तोड़ डाले। अब तोड़ने के बाद ढूंढ रहे, ढूंढ रहे, कभी लिखो रहेंगे 50 लाख उस तरफ को हूं, 50 लाख उस तरफ को हूं, आदमी की हिरिस ख्वाहिश। तो ढूंढते ढूंढते एक पर्ची मिली, उस पर्ची में लिखा था कि बेटा मैंने मेहनत करके तुम्हारे लिए ये बिल्डिंग बनाया, तुम्हारे अंदर दम हो, ताकत हो तो ये बिल्डिंग दोबारा बन के बताओ, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया था। तुमने पूछा ना कि तुम, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, तुमको पालते हुए, तुम्हारे अखराजात को बर्दाश्त करते हुए, तुम्हारी ख्वाहिशात के जरूरत से आगे बढ़कर तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए मैंने मरने के बाद मेरा बेटा किसी के घर न रहे, उसे एक छत मिल जाए, साया मिल जाए, मैंने इसको बना था, यह सब तुम्हारे लिए था। लेकिन तुम बारहा जो मुझसे पूछते थे कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, मैंने ये किया था, तुम्हारे पूछने की वजह से मैंने इसको भी खत्म कर दिया, अब तुम्हारे अंदर दम हो तो फिर तुम इस इमारत को खड़ी करके बताओ। कहां खड़ी करेगा? चंद दिनों के बाद उस जगह को भी बेच दिया, बेचकर पूरा चाट लिया। तो इसलिए वालिदैन की नाफरमानी हरगिज नहीं होकर नहीं होना। तो दूसरी बात ये, फिर आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उस हदीस को बयान करने वाले रावी ये फरमाते हैं वजलसा मुत्तकियन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम टेक लगाए हुए बैठे थे, जब तीसरी बात को बयान करने का मौका आया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर सीधा बैठ गए। अरे सोने वाले बोलो क्या करे,
आगे बढ़कर सीधा बैठ गए। ये फरमाया तीसरा बड़ा गुनाह ये है, कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा बदतरीन गुनाह तीसरे नंबर पर ये है कि आदमी झूठी गवाही दे। वो शहादतुज़्ज़ूर, आदमी क्या करे, अरे बोलो झूठी गवाही दे। इलेक्शन का मतलब ही ये है, वोट का मतलब ही ये है कि हुकूमत आपसे गवाही पूछ रही है। क्या पूछ रही है? हिंदुस्तान का संविधान और हिंदुस्तान का कानून आईन आपसे गवाही पूछ रहा है कि इस इलाके में जितने उम्मीदवार खड़े हैं उन तमाम उम्मीदवारों में तुम ये गवाही दो कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर कौन है। तुमने 5000 लिया और झूठी गवाही दी, तुमसे बड़ा इलाके में कोई हरामी नहीं है। वो 5000 क्या तुम्हारे 5 साल की किस्मत को बदल देगा? अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे पैसे लेकर ऐसी गवाही तुमने दी कि वो अहल नहीं था, वो लायक नहीं था, वो हुकूमत पर ओहदे पर जाने के लायक नहीं था, तुम्हारे पैसे लेकर झूठी गवाही देने की वजह से अगर वो हुकूमत पर चला गया और वो फिरता परस ताकत में से था, कल तुम्हारी पूरी मिल्लत पूरी सोसाइटी से और का इख्तियार छीन लिया जाएगा। 70 साल से जो तुम्हें इख्तियार दिया गया है कि अपने अपने ओहदेदार का इंतखाब करो, अपने ओहदे पर बैठने वाले का इंतखाब करो, अगर तुम्हारा वोट बटा तुम्हारी गवाही बटी, आजाद उम्मीदवार जिसके 2000 रुपये लेकर उसकी गद्दी को मजबूत करने की तुमने कोशिश की, और एक वो आदमी जो इंसाफ पर है हक पर है कौम का दर्द रखने वाला है, अगर वो सीट से उतर गया और खुदा ना खास्ता फिरता परस ताकत की सीट मजबूत हो गई, फिर जो तुम्हारे वह तुम्हारे मां बाप ने तुम्हारे आबा व अजदाद ने 50 पर 1000 उलमा जो मुल्क की आजादी में शहीद हुए तुम उन सारों के गद्दार बन गए खाली 2000 रुपए के वास्ते, खाली 5000 के लिए। इसीलिए तो उलमा चीख चीख कर ये कह रहे कि एक तरफ खिंजीर का गोश रखा हो और दूसरी तरफ वोट डालने के लिए एक आदमी पैसे दे रहा है और वो हकदार नहीं है। तुमने अगर पैसे लेकर झूठी गवाही दे दी तो ये खिंजीर के गोश के खाने से ज्यादा बुरा है। तो इसलिए गवाही दो तो सच्ची गवाही दो। क्या करो? सच्ची गवाही। अल्लाह ने फरमाया वला तक्तुमु शहादा, गवाही को मत छुपाओ। जब तुमसे गवाही मांगी जा रही है, कानून ओट का मतलब ये कि तुमसे गवाही मांग रहा है, तुमसे पूछ रहा है, तुमसे राय ली जा रही है, क्या आइंदा इतने साल तक 5 साल तक कौन तुम्हारा खैरखा है, कौन तुम्हारा बदखा है, वो तुम्हारे उलझे मसाइल को सुलझाने वाला है या फिर तुम्हारे लिए वो जहर है, खतरा है। कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है कि हमारे मुल्क में ये निजाम है। ये निजाम सऊदी में नहीं है, ये निजाम दुनिया के और ममालिक में नहीं है, चंद ममालिक है गिनती के जहां ये निजाम है कि आदमी अपने अपनी बुनियाद पर अपने तौर से ये फैसला कर सकता है, ये राय दे सकता है कि हमारे ऊपर हुकूमत करने का इन्हें अहल है, इन्हें हकदार है।
यह हमारे मसाइल को पार्लियामेंट तक ले जा सकता है। यह हिजाब का मसला आएगा, उस मसले में आगे बढ़कर हमारी शरीयत की हिफाजत करेगा। यह ईदगाह का मसला आएगा, उस मसले पर यह जितने भी मसाइल हो जो जिसने किया, मैं नहीं जानता कि किसने आगे बढ़कर किया किसने नहीं किया, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपका लोगों से मिलना जुलना हमसे ज्यादा है। आप बेहतर जानते हैं कि आपके लिए इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा बेहतर कौन है, उसे आप वोट दें, गवाही दें, उसे जिताएं आप। और जैसे गुज़िश्ता भी मैंने अर्ज किया कि 100% वोटिंग होनी चाहिए, 100% कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहदा महाज की तरफ से बारह जो पूरे इलाके का, पूरे सूबे का, हमारे पूरे स्टेट का सर्वे भी रखते हैं और हालात की जानकारी सबसे ज्यादा होनी है, वो ये बारह इस बात की फिक्र दिला रहे हैं कि 100% अगर वोटिंग हो जाए मुसलमानों की तरफ से, फिर फिरका परस की ताकत जरूर टूटेगी इंशाअल्लाह। कैसे कैसे हालात आए अब नहीं जानते। 2000-5000 की वजह से हमारे बच्चों की शहादत को हम भूल जाएंगे, हमारी मस्जिदों को जिन्होंने बर्बाद किया, शहीद किया, हम भूल जाएंगे। तो जब आपकी किस्मत बदल देंगे वो 5000, 5 दिन भी तुम्हारे काम नहीं आते। एक अल्लाह की तरफ से गुस्सा आया, तबीयत तुम्हारी बिगड़ी, 5000 लिए 50000 देने पड़ जाएंगे, हो सकता है। लेकिन अल्लाह ये कहता है कि वला तक्तुमु शहादा वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन कल्बु, जो गवाही को छुपाता है या झूठी गवाही देता है उसका दिल गुनहगार है। उसका खाली वो हाथ गुनहगार नहीं जिसमें जाकर वोट डाल को इंक लगा लेगा, वो हाथ नहीं, उसके दिल का निफाक है कि उसने पूरी मिल्लत का सौदा कर दिया। इसलिए गवाही को ना छुपाएं। फिर आगे उलमा ने फरमाया कि वो शिफात है, सिफारिश है, मैयश्फा शफात हसना यकुल लहू नसीबुन मिनहा, जो आदमी किसी की बेहतर सिफारिश करता है, अच्छे आदमी की अच्छी सिफारिश करता है, वो आगे जितना अच्छा काम करेगा पूरा का पूरा सवाब इसे मिलेगा। तुमने सिफारिश की, हुकूमत से सिफारिश की, मुल्क के कानून को सामने रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखते हुए तुमने ये कहा कि भाई हमारे ऊपर हुकूमत करने का ये अहल है, और वाकईतन वो अहल भी था। तुम्हारी सिफारिश की वजह से वो ओहदे पर आया। ओहदे पर आने के बाद वो जितनी इंसाफ, वो जितना इंसाफ करेगा उसके इंसाफ करने का सवाब उसे भी तुम ना भी। उसकी वजह से शरीयत पर कोई पाबंदी नहीं लगती, उसके ओहदे पर होने की वजह से ना मस्जिदों पर कोई मसला है, ना मदरसों पर कोई मसला है, ना मदरसे के बच्चों को कानून, अजीब अजीब तरह के कानून। अभी तक कानून था क्या, लड़की बचाओ लड़की बढ़ाओ, अरे ऐसे ही कुछ था ना, क्या था, लड़की बचाओ लड़की बढ़ाओ। अभी कानून है बच्चा बचाओ, अभी कानून है आपका 35 से ज्यादा बच्चों को जो मदरसे में पढ़ने के लिए जा रहे थे, छोटे छोटे आजाद को सामने रखकर उनको पकड़ लिया गया और पूरे के पूरे बच्चों को जेलों में रखा गया। बच्चा पढ़ने के लिए आया, हिफ्ज़े कुरान के लिए आया, आलिम कोर्स करने के लिए आया।
अब उस कानून को नाफिज करने के लिए रेलवे स्टेशन पर एक इलाके से दूसरे इलाके को कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई उड़ीसा से आया बेंगलोर में पढ़ने के लिए, क्या है तुम्हारे बाप कौन है, तुम्हारे फुला कौन, फुला कौन, फुला कौन। हाँ ये बात है कि उनसे भी थोड़ी गलती हुई, सरपरस्त के साथ आना चाहिए था, थोड़ी बहुत 19-20 का फर्क हुआ, ऐसा सख्त कानून बनाकर कई बच्चों को सलाखों के अंदर बंद कर दिया। आप नहीं जानते, लेकिन अगर आपकी शिफात की वजह से, आपकी सिफारिश की वजह से ऐसा आदमी बरसरे इख्तदार आया जिसकी वजह से मदरसे के निजाम में गड़बड़ ना हुआ, और उसकी वजह से एक बच्चा हाफिज हो गया और आपके वोट की वजह से वो जीता है, तो उन्हें हाफिज बनने में उन्हें मददगार नहीं बना, वो जितना सवाब उसे मिलेगा उतना ही सवाब आपको भी मिलेगा। लेकिन अगर आपने झूठी गवाही दे दी, मुझे कब की मेरे ऊपर एहसान किया था, वो एहसान का बदला आप चुकाएंगे, एहसान का बदला आप जाकर उसे एहसान दीजिए, एहसान का बदला मिल्लत का सौदा नहीं, एहसान का बदला वो आपका शख्सी मसला है, उस शख्सी मसले को लेकर आप मिल्लत का सौदा मत कीजिए। आप जानते हैं कि किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, किसके क्या मसाइल हैं और किसका क्या मिजाज है। बरसरे इख्तदार पर आने के बाद किसी इलाके में कोई आदमी, कोई हुकूमत के कारिंदे उस इलाके में आने के लिए तैयार नहीं, क्यों? बरसरे इख्तदार लोगों का पूरा सपोर्ट है, चार होता अंदर जाके नहीं उन्हें छुड़ा लेती, छोड़ देती, तो पूरा नुकसान किसे मिलेगा? अगर इलाके में उसके चेहरे को सामने रखकर कोई गुनाह किया जा रहा है और उसने आपके वोट की वजह से कुर्सी हासिल की, इलाके में जितना गुनाह होगा उसका गुनाह तनहा उसे नहीं मिलेगा, उसे जिसने जिताया, आपने जिताया, वो पूरा गुनाह आपको भी मिलेगा। और कितना खुलकर बोलना, इसलिए पूरे पूरी पाक दामनी के साथ, पूरे अपने आप को अल्लाह का बंदा समझते हुए, और जैसे ये बात कही जा रही है कि बहुत सारे इस वक्त आजाद उम्मीदवार हैं, उनको खुद मालूम क्या मंजे 50 वोटा मिलती, कितने मिलती, गिनती के 50 मिलती, अरे कहीं कुछ इकड़ रही नहीं, उन्हें जीतना है, मैं हारा तो भी परवाह नहीं, जी कितने 50 लाख खर्च होती नहीं होते, उन्होंने जीतना है। ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे मुस्लिम सोसाइटी और मुस्लिम कम्युनिटी के ओहदों को, उनकी सीट को खत्म करने के डर में है, और हमारा मुसलमान भाई जाकर उसका साथ दे रहा है। तो जो आजाद उम्मीदवार है, जिसके मुताबिक मालूम है कि वो अपनी हुकूमत नहीं बनाएगा, अगर उसके खड़ने की वजह से पूरी मिल्लत का नुकसान हो सकता है, उसे हराओ, उसे जिताओ, जो आपके मसाइल को हल करेगा आइंदा चलकर, जो जीत सकता है उसे अपना वोट दो, करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो, सब करेंगे इंशाअल्लाह। और वोट के दिन फजर की नमाज पढ़ते ही फौरन जाना, वाह क्या बोले हजरत, ईद के दिन ही छा फजर को उठे नहीं, रमजान में रात में सहरी कर ले सो जाते, शुरू के 10 दिन बड़े रोजे, उसके वास्ते जर्रा मस्जिद भर को माशाल्लाह, 10 रोज के बाद छोटे रोजे, शरीयत तुम्हें ना, तुम्हारे वालिद साहब की शरीयत तुम्हें बना लिए, इनो बड़े रोजे, इनो छोटे रोजे, इनो बीच के रोजे, वाह अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमें ईद कुछ उठेगी, बकरीद कुछ देखते रहती, कहां सब में लेट ईद की नमाज है, 10 बजे है तो 9 बजे उठती, नाले धोले जाको पढ़ ले
बड़ा एहसान कर डाले, पूरी उम्मत पर बड़ा एहसान आपका। ये गफलत छोड़े, ये सुस्ती छोड़े अल्लाह के लिए। फजर को उठना, बोलो कौन कौन उठती? सब उठेंगे इंशाल्लाह। हाँ तो उठने डर रही, कहा उठना पड़ता है कीकर को। फजर फर्ज है, फर्ज तो कर्ज है, उसमें कोई रुख्सत नहीं। फजर को फौरन उठना, उठकर जाकर इंशाल्लाह जितनी भी दुश्वारी हो, उलमा को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए ने फरमाया कि अगर उस दिन तुम्हारी ओट में जाकर खड़े होने की वजह से, लाइन में खड़े होने की वजह से आपके अगर खुदा ना खास्ता इशराक की नमाज छूटी, चाश की नमाज छूटी, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि उससे बड़ा सवाब तुम्हें मिलता है, उससे बड़ा सवाब मिलेगा। इशराक की नमाज पढ़े सवाब मालूम है? पढ़े रहे तो ना मालूम होने क्या सवाब है। फरमाया जो बंदा फजर की नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठता है बगैर बातचीत किए, वही बैठने के बाद सूरज तुलू जब हो जाता है, सूरज तुलू होने के बाद दो या चार रकात पढ़ लेता है, आपने फरमाया मेरी तरफ से उसे दो बशारतें। एक बशारत ये कि अल्लाह उसे मकबूल नफिल हज उमरे का सवाब देते हैं, और उसके समंदर के झागों के बराबर भी गुनाह हो अल्लाह उसे भी माफ कर देते हैं। इशराक का सवाब। लेकिन आपके वोटिंग लाइन में जाकर खड़े होने की वजह से अगर छूट गई इशराक, आप परेशान न होइए, इसलिए कि गवाही देना अल्लाह का हुक्म है जो फर्ज है, और सारे नवाफिल मिलकर, हजारों नवाफिल मिलकर ये फर्ज का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह उससे बड़ा सवाब आपको देगा। तो पहला काम यह कि फजर पढ़ना, अल्लाह से मांगना, कुछ भी नहीं कह सकते। बाज दफा सारी तदबीरें हमारी नाकाम हो जाती हैं, इसलिए अल्लाह से मांगना, ये कहना ए अल्लाह सब कुछ करने वाली जात तेरी है, बरसरे इख्तदार पर किसे लाना किसे नहीं लाना तू बेहतर जानता है। ए अल्लाह हमको जो समझ में आया कुरान हदीस की रहबरी की बुनियाद पर। अच्छा एक बात ये इसी दरमियान में कह दूं, वोट किसे देना तुम ना मालूम किसे देना, मैं कहीं बोलू तुम ना मालूम, लेकिन आपने फरमाया इदा मबतुली तभी बलिकत है फख्तर अहवना हुमा। किसी इलाके में अगर ऐसा निजाम है दोनों यकसा हैं, इनो भी वो, तो क्या करो। आपने फरमाया जब दो बलाएं तुम्हारे सामने हो, दो रस्ते ही, मैसूर रोड कब्रस्तान से बाहर निकलती ना, इधर भी एक रास्ता जा रहा है, इधर भी एक रास्ता जा रहा है, दो रस्ते ही, दो रस्तों में आपको ये मालूम हुआ एक जगह कोबरा सांप बैठा है, एक जगह पानी का सांप, छोटा सांप बैठा है, कौन से रस्ते से आती? अरे बोलो कुछ कर, बस वही करना करेंगे इंशाअल्लाह। और अपनी मस्तूरात को लेकर भी जाना, अपनी मस्तूरात को लेकर जाना, और उनका भी वोट डालना। और बतौर खास ये बात कही जा रही है इस वक्त कि जब तक वोट डालने के बाद खाली हुजी को आगे, क्या वो ये क्या वो, क्या फोन में आता ना लॉक फिंगरप्रिंट नहीं बटन है प्रेस करने का है, और जब तक आवाज ना आए, बाकायदा ये बात कही जा रही है तहकीक रिसर्च करने वाले, तो मैं खाली हुजी का आगे दबा का आगे, अगर पीप की आवाज नहीं आई तो फिर आपका वोट नहीं पड़ा। तो जब तक आवाज मुकम्मल तौर पर ना आए उस वक्त तक आप वहां से ना हटे, मुकम्मल आवाज आ जाए, पीप तक आवाज आती है ना, वो आवाज आना, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ जाए किसी किसी इलाके में, यहां तो नहीं है, यहां तो माशाल्लाह मुस्लिम घनी आबादी है, मस्तूरात का भी यहां इंतजाम हो सकता है, तो यहां कोई मसला नहीं, हमारी बहनें जाएं हमारी माएं जाएं उनके लिए कोई पर्दे का भी इतना मसला नहीं है। लेकिन जहां पर्दे का मसला ना भी हो, उलमा इस वक्त की रहबरी कर रहे हैं कि वक्ती तौर पर, इसलिए कि वोट के वक्त में ऐसा भी हो सकता है कौन की बुरखा पिल्लक मरद बना आगा रहेगा, कोई गलत आदमी आ गया होगा तो वो चेक करते हैं,
या मस्तूराते हैं कौन है, तो इस वक्त उलमा ये कह रहे हैं कि ऐसा नाजुक मसला है कि अगर आपको चेहरा बताना पड़े हमारी बहनों को माओं को, तो इजाजत दी जा रही है कि एक सेकेंड के लिए अपना चेहरा बता दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने ओठ को वो नाहा ना करें, जाये ना करें। करेंगे इंशाल्लाह 100% ओठ करना। और आखिर एक रहबरी ये भी है कि 2 बजे से पहले पहले पूरे हमारे जितने लोग हैं सबका ओठ हो जाए, ठीक है भाई इंशाल्लाह। मैं जरा पेपर को जाकर आया तो 10 बजे तक 12 बजे तक कर ले, इसलिए कि 2 बजे के बाद आम तौर पर यह होता है कि मिशन खराब होगी, ये होगा वो होगा, पेट भरेगा तो उठा ले चल जाएगी, अल्लाह के आगे बस भी तवज्जो बस, अब कौन कौन आ जाती है डर को उठा ले चल जाए, ऐसा नहीं। उसलिए क्या करना, 2 बजे से पहले पहले हम सब वोट डालकर फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे। और भी जो बातें हैं आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए और अल्लाह से मांगने की भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि सारा कंट्रोल तो अल्लाह ही के पास है। 2 रकअत सलातुल हाजत नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगना बहुत अहम है। हमारे अकाबिर उलमा की और हमारे दानिश्वर अफराद की इस वक्त नींदें हराम है, रात रात भर जागकर मिल्लत को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए और कानून संविधान को बचाने के लिए रातों रात जाग रहे, मशवरे कर रहे, 2-2 बजे 3-3 बजे तक वो जो तदबीरें हो सकती हैं उसे उम्मत को समझाने के लिए सारी तदबीरें लिखने वाले लिख रहे हैं, बोलने वाले बोलकर बता रहे हैं। तो इस मौके पर हमसे गफलत हो ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह से दुआ कर कर 2 रकअत सलातुल हाजत नमाज पढ़ना, अल्लाह से मांगना और जाकर वोट डालने की कोशिश करना। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में हस्ब मामूल ऐलान है, आपके मस्जिद मस्जिद रियाजुल जन्नत के अखराजात इंतजाम के लिए दिल खोल कर ताउन फरमाते हुए जाएं। अल्लाह ताला हजरात के ताउन को बेइंतहा कबूल फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।